Hello everybody. First of all, a very very happy Mother's Day to everybody. And these are my beautiful kids. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Wishing you a happy Mother's Day. So चलिए आज हम बात करेंगे सारी मदर्स की क्वेरीज के बारे में. Because you know all the pregnant females are having lots of queries. And this is the tough time of Corona. So let us see हमें क्या क्या precautions लेने हैं और हमें किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना है एंड हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है. इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेरीज मुझे पूछी गई हैं कि इम्यूनाइजेशन को लेके हमें क्या करना है. सो यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि आपको इम्यूनाइजेशन के लिए जाना है या नहीं जाना है. आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी के लिए जाना है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है और अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको अपने बच्चे का किस प्रकार से ख्याल रखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो मुझसे कॉमनली पूछा जाता है वो यही है कि अगर क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मुझे बहुत हाई रिस्क है कि मुझे कोरोना हो जाएगा. देखिए जो प्रेगनेंसी में आपको ऐसा एक्स्ट्रा हाई रिस्क नहीं है कि आप प्रेग्नेंट होने से कोरोना का रिस्क बढ़ जाएगा. बट डेफिनेटली येस, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको कोरोना ना हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी हमारी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी नॉर्मल लोगों की होती है. सो बाई चांस अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस फॉर्म लेती है प्रेगनेंसी में. सो डेफिनेटली आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं और अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है. आप हाई रिस्क कैटेगरी में ही माने जाएंगे. सो दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना है तो क्या आपको हॉस्पिटल जाना है. देखिए सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टाई अप कर लीजिए, उनसे डिस्कस करिए कि आप हॉस्पिटल आना चाहते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें कि फ़ोन पे ही सारा डिस्कशन हो जाए. लेकिन उसके अलावा भी आपको रेगुलर चेकअप्स और अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि कोरोना इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर सम टाइम नाउ. सो डिस्कस विद योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड टेक द प्रॉपर टाइम. हॉस्पिटल जाते वक्त प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लेके जाएं, अपने हाथों का क्या ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइज करें एंड दीज आर द रूटीन प्रिकॉशंस. कोशिश करें ऐसे टाइम पे जाएं जबकि भीड़ भाड़ कम हो. सो दिस इज रिगार्डिंग योर प्रिकॉशंस विच यू हैव टू टेक वाइल विजिटिंग योर गायनेकोलॉजिस्ट. अच्छा, और इसके अलावा अगर आपको डिलीवरी का टाइम आ जाता है और आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको किस प्रकार का लाइक प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. देखिए सबसे पहले तो वही रूटीन चीज़ें आपको फॉलो करनी है डिलीवरी के वक्त, जाते वक्त के जाने जब आप जा रहे हैं तो. लेकिन हाँ, समटाइम्स यू नो कोरोना पॉजिटिव और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स काफ़ी निकल रहे हैं जो हमारे डिलीवरी वाले लोग हैं. न्यूयॉर्क में एक स्टडी हुई जिसमें कि पाया गया कि जो लेडीज़ डिलीवरी के लिए आई हैं उसमें लाइक अराउंड 25-30% लेडीज़ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स निकली. सो इसके लिए आपका डॉक्टर जो है जो आपकी डिलीवरी कंडक्ट कर रहा है वो बहुत हाई रिस्क है. सो आई थिंक ये बहुत सारी जगह ऐसे प्रोटोकॉल है कि कोविड टेस्ट डिलीवरी के टाइम भेजा जा रहा है. सो अगर उसमें आप बाई चांस आप कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं या आपको कोरोना हो गया है यू नो और डिलीवरी का टाइम है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. देखिए जो मेन प्रिकॉशंस हैं, अगेन द सेम थिंग, यू हैव टू वियर अ मास्क सो दैट यू डू नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी एल्स हैज़ टू टेक प्रिकॉशंस. दे विल बी वियरिंग फुल पीपी वाइल डूइंग योर डिलीवरी, कंडक्शन ऑफ डिलीवरी. सो बिकॉज यू नो अगर डॉक्टर्स को इस वक्त जो इन्फेक्शन हो जाता है वो बहुत हाई वायरल लोड होता है एंड फिर उसमें डॉक्टर की डेथ की संभावना बहुत ज़्यादा हाई होती है. सो द डॉक्टर हैज़ टू वियर फुल पीपी व्हेन कंडक्टिंग यू नो डिलीवरीज इन टुडेज कोरोना टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट डिलीवरी होने के बाद जो कोरोना पॉजिटिव मदर्स हैं, डिलीवरी हो गई है तो क्या उनको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है. देखिए किसी भी हालत में मतलब हम चाहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा इनकरेज किया जाता है, ठीक है. तो ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट है. अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आप मास्क पहनेंगी और जब भी बच्चे को हैंडल करेंगी पूरा अपना हैंड हाइजीन वगैरह परफॉर्म करके बेबी को हैंडल करेंगी फीड कराते वक्त. उसके अलावा रेस्ट ऑफ द टाइम द बेबी कैन गो टू अदर केयर गिवर्स. सो दिस इज़ वन थिंग. बट हाँ, किसी कारण से अगर आपकी ज़्यादा हालत ख़राब है और आपका निमोनिया वगैरह है, परेशानी ज़्यादा है कोरोना में, तो और अगर आपको बेबी नहीं मिला है तो उस वक्त आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाएंगी. तो उसमें भी क्या करना है, आपको कोशिश करनी है ब्रेस्ट पंप से मिल्किंग करें ताकि यू नो मिल्क बनना शुरू हो जाए ब्रेस्ट में. सो उससे बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. और किसी कारण से अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं करा पाई हैं और आपको बेबी बाद में मिला है तो भी आपको कोशिश करनी है कि आप फिर से ब्रेस्ट फीडिंग इनकरेज करें. फॉर्मूला फीडिंग पे डायरेक्टली बेबी को नहीं लेना है. सो उसके लिए भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, वो आपको हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी देंगे एंड दे विल गिव यू टेक्निक्स जिससे कि आप फिर से दोबारा से ब्रेस्ट फीडिंग करना मतलब शुरू कर सकते हैं. सो दिस इज़ रिगार्डिंग द कोरोना पॉजिटिव मदर्स एंड नाउ कमिंग टू द चिल्ड्रन. तो क्या न्यू बॉर्न बच्चे हैं जो, तो क्या वो बहुत हाई रिस्क पर हैं?
देखिए न्यूबॉर्न जो किड्स हैं, जो एक स्टडी में पाया गया है कि उनका थोड़ा रिस्क हायर है, उनको 11% रिस्क है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे की वैसे वैसे रिस्क कम हो जाता है. सो जो बच्चे हैं लाइक यू नो 8 से 10 साल के बाद रिस्क काफ़ी कम है, और उन बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब कोरोना इतना ज़्यादा मतलब बीमारी नहीं दे पा रहा है. तो उसके क्या कारण है, उस ग्रुप में रिस्क कम क्यों है? देखिए एक तो इन बच्चों की ना इम्यूनिटी बेटर है. सेकेंड थिंग इज दे हैव बीन एक्सपोज टू सो मेनी इन्फेक्शंस ऑफ कोल्ड एंड फ्लू, मतलब उनको रिपीटेडली इन्फेक्शंस ऑफ फ्लू होते रहते हैं, इसलिए क्रॉस इम्यूनिटी बन जाती है. सो दैट इज व्हाट इज प्रोटेक्टिंग दीज किड्स. बट येस द न्यूबॉर्न इज एट हाई रिस्क. सो न्यूबॉर्न बच्चे का आपको पूरा ख्याल रखना है. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी का आपको क्या करना है, क्या इम्यूनाइजेशन का आपको क्या करना है, क्या आपको बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए हॉस्पिटल लेके जाना है? सी नाउ रूटीन इम्यूनाइजेशन शुड नॉट स्टॉप. अर्लियर हमें लग रहा था कि एक महीने में हम अपने यू नो कर्व को फ्लैट कर देंगे, बट आज की जो हालत है जितने 60,000 के प्लस केसेस हो गए हैं, तो अभी नहीं लग रहा है हमें कि जल्दी से ये ना ग्राफ फ्लैट होगा. तो आपको इम्यूनाइजेशन के लिए बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको खुद भी मास्क पहनना है, और अगर आप बच्चे को मास्क पहना सकते हैं तो उसको भी पहनाइए. और अगर बच्चा छोटा है, गोदी में है, तो ऑब्वियसली मास्क नहीं पहना पाएंगे, बट अपने पीडियाट्रिशियन से बात करिए कि मेरे को इम्यूनाइजेशन करानी है बेबी की. सो आपको वो प्रॉपर टाइम देगा, एंड डॉक्टर हैज़ टू टेक फुल प्रिकॉशंस सो दैट द चाइल्ड यू डू नॉट गेट इन्फेक्शन फ्रॉम द डॉक्टर, एंड यू हैव टू टेक फुल प्रिकॉशन दैट यू डू नॉट गिव इन्फेक्शन टू द डॉक्टर. तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अगर इम्यूनाइजेशन के लिए जाएंगे तो आई थिंक इट विल बी सेफ, बिकॉज वी हैव टू गिव द इम्यूनाइजेशन, अदरवाइज बच्चों को और ये डेडली बीमारियाँ हो जाती हैं. सो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन शुड नॉट स्टॉप, दैट हैज़ टू कंटिन्यू. और अगर आपके बच्चे को कोरोना वायरस हो जाता है तो आपको क्या करना है? देखिए अगेन एज रिलेटेड है कि जो बच्चे यंगर हैं, यंगर बच्चों को, जैसे कि आपका बच्चा 5 या 6 साल का है तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है, 7-8 साल के ऊपर रिस्क कम होता जाता है. सो बच्चे को नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार होके बच्चा ठीक हो जाता है कोरोना वायरस अगर होता है. लेकिन हाँ, जो बहुत छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है और इन्फेंट है, उनका रिस्क काफ़ी हाई है. सो उनका आपको स्पेशल ख्याल रखना है. सो दीज आर द मैसेजेस फॉर ऑन द मदर डे फॉर ऑल द मदर्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज पुट देम इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एंड आंसर ऑल दोज कमेंट्स. सो विशिंग यू अ हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन, एंड यू नो स्टे सेफ, स्टे होम.